गोलागत अनेक समाचार बक्सर सभा रिपोर्टर बानी वरिष्ठ पत्रकार संजय उपाध्याय जी। खबर के हेडलाइन सुनी, बिहार के सीमा इलाका में उत्तर प्रदेश से आयल बटुए सब सौ, बक्सर डीएम साहब के खुलासा, हर हाल में बिहार के सीमा में गंगा नदी के निर्मल रखे के हो प्रयास। खबर का बा विस्तार से सुनी, बिहार के बक्सर जिला के चौसा सहित अन्य घाट पे गंगा नदी में लगातार सौ उत्तर प्रदेश के तरफ से प्रवाहित गंगा के जलधारा में आ रहा बा। बक्सर जिला प्रशासन के तरफ से जिलाधिकारी अमन समीर खुलासा करत कहनी कि बक्सर जिला के सीमा में पिछला कुछ दिन में 79 शव बरामद कर गई बा। सभी बरामद शव के अंतिम संस्कार भी कर दिया गया बा। जिलाधिकारी बतैनी कि शव बरामदगी मामला में जिला प्रशासन के कहना बा कि गंगा नदी में शव जहां प्रवाहित कई जाता है वजह से कुछ दूरी पर ही सौ जल प्रवाह के बाद बरामद होता है। जिला प्रशासन सौ बरामद स्थल से कुछ दूर उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिला के इलाका में गंगा नदी के जल प्रवाह इलाके में जाकर देखलस कि सौ प्रवाहित होके उन्हें से आ रहा बा जौन कि बिहार के सीमा इलाका में बरामद भइल बा। ये सौ के गंगा के पानी से बाहर निकाल के पहले भी 71 शव आज फिर से 8 के डिस्पोजेबल कर गई माने ओकरा के डिस्चार्ज कर ली। गंगा नदी में महाजाल लगावे के मकसद ई रहे कि सौ कहाँ से आवता है। जिला प्रशासन पूरी तरह से तत्परता के साथ गंगा नदी में सौ प्रवाहित ना होके करा खातिर पूरा तैयारी के साथ दिन रात गश्ती भी कर रहा बा। मोटर बोट से गश्ती कल जाता है। बतावत चली कि बक्सर के चौका चौसा प्रखंड के महादेवगंज आ रानीगंज के समीप सैकड़ों के संख्या में सौ बरामद कल गई रहे। सौ के पोस्टमार्टम और कोविड जाँच सैंपल के अंतिम संस्कार कल गई बटुए। रउरा सबके बता दी कि काफ़ी राष्ट्रीय स्तर पर एक खबर के प्रमुखता से चलावल गई लेकिन जिला प्रशासन भी उतने तत्पर भी आ एकरा प्रति संजीदगी दिखा रहल भी है। जिला प्रशासन महाजाल लगा दिलस कि वह पार के जितना भी अगर कोनो ऐसा आवता तो वही जाल में बाजी जाए। आदमी के स्थिति मछरी हो गई बटुए। देखला के बाद ऐसा लगता है जैसे वह जाल में लगभग 6 ऐसा सौ फंस गए जब जाल लागल ओकरा अगले दिने। तो ये तरीका से इतना विकट स्थिति बटुए है। स्थिति से निपटे खातिर लोग के चाहें कि सहयोग करी प्रशासन के और साथे गंगा जी में प्रवाहित मत करी। गंगा जी प्रदूषित हुई हैं कोरोना वायरस पानी में तेजी से कर प्रसार होला। एकरा के रोके खातिर लोग से भोजपुरिया समाचार निहोरा करता और साथे सबके डीएम साहब के बयान सुनब वहाँ के का कहतनी है मामला पो। लेकिन भोजपुरिया समाचार इससे पहले रोरा सबसे निहोरा करत बड़ुए कि खबर के देखला के बाद एकरा के लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। सुनिए डीएम साहब के बयान। पूर्व से भी हम लोग कहते आ रहे हैं कि जो बॉडी है वो बक्सर की नहीं है क्योंकि 2-3 चीज़ों पे हम लोग बेस्ड हो रहे थे अपना में। हम लोगों का जो ऑब्जर्वेशन था इसमें पहला ऑब्जर्वेशन था, आप सभी को पता है कि अगर किसी बॉडी को यहाँ अगर डिस्पोज किया जाए, अगर चौसा में किया जाएगा तो चौसा में वहाँ नहीं निकलेगा। तो हमेशा जो है अगर बॉडी क्योंकि वो 4-5 दिन डिकम्पोज था, अगर हम चौसा में डालते हैं तो वो कम से कम वो 4-5 दिन में काफ़ी आगे जाके वो बॉडी निकलेगा। तो एक हम लोगों का ऑब्जर्वेशन ये था। उसके बाद जो है हम लोगों ने हम लोगों की टीम जो है वो अपस्ट्रीम जो है वो गाजीपुर तरफ भी गई थी और उन लोगों ने वहाँ पर देखा कि कुछ बॉडी जो है वहाँ से भी फ्लो होकर आ रही थी। तो हम लोगों को एक लगा कि बॉडी जो है वहाँ से हम लोग का फ्लो हो गया रहा है और चूंकि ये गंभीर विषय है और हम लोगों को जो भी मृत्यु हुई है जो भी सब है उनका एक सम्मान होना चाहिए। तो हम लोगों ने सिर्फ एक जाल जो वहाँ पे लगाया है कि सिर्फ ये देखने के लिए कि बॉडी जो है वो कहाँ से आ रही है। और जो महाजाल लगाने के बाद जो है करीब 8-9 बॉडी जो है वो मिली है वहाँ पर, उसका हम लोगों ने लैट लॉन्ग के साथ और वीडियोग्राफी भी कराया है और वो जो है अपस्ट्रीम के तरफ से आ रही हैं। और हम लोग जो है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन गाजीपुर है उससे हम लोग कोऑर्डिनेशन में भी हैं। अभी तक कितने लाशें मिल चुकी है? अभी जो हम लोगों ने डिस्पोज किया था वो 71 था और आज जो है अगर जोड़ दें हम लोग 8 जोड़ दें तो 79 के राउंड हो जाएंगे।